आरपी नर्सिंग स्कूल मेन रोड टंगा गढ़वा झारखंड AMM GNM D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। दरही बाजार समिति की जमीन को बाहुबली लोगों के द्वारा किया जा रहा अतिक्रमण, इस और सरकार का नहीं है नजर। डंडई प्रखंड की दरही बाजार समिति की जमीन को गांव के ही कई लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है। वहीं जमीन का अतिक्रमण कर कच्चे मकान व तरह तरह की व्यवसायिक दुकान बना रखी है, जिसे दरही हाट बाजार में छोटे छोटे व्यवसायियों को मजबूरन मुख्य सड़क के किनारे दुकान लगाकर सामान का बिक्री करना पड़ रहा है। सड़क के किनारे दुकान लगाए दुकानदारों का कहना है कि सड़क के किनारे दुकान लगाने से हर समय घटना की आशंका बनी रहती है। कहा कि चार चक्के वाली गाड़ी को आने पर हर बार दुकान को आगे पीछे करना पड़ता है, इसका प्रभाव हम सभी को दुकानदारी पर भी पड़ता है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बाहुबली लोग ही उक्त भूमि को अतिक्रमण कर उसमें अपने अपना गुगटी व घर बना लिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका विरोध करने पर वे सभी मारपीट करने पर भी उतावले हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से किसी तरह की कार्यवाही नहीं होने से उनका मनोबल बेहद बढ़ गया है। पूछने पर भूमि दाता के वंशज गौरी शाह, बिजली शाह, मदन शाह, काजू शाह, संजय शाह, कन्हाई शाह, शनिश्री देवी ने बताया कि सन 1965-66 ईस्वी में हमारे पूर्वज अकल शाह, गोकुल शाह, राम खिलावन शाह, सोमर शाह, सहदेव शाह के द्वारा बाजार समिति के नाम पर सरकार को 1 acre 58 decibel जमीन दान में दी गई थी, परंतु अब मात्र 10 कट्टा जमीन पर ही जही हाट बाजार रह गया है। सरकार की इस ओर ध्यान नहीं। भूमि वंशजों ने सरकार से अतिक्रमण किए गए जमीन को मुक्त करने की मांग की है। डंडई प्रखंड क्षेत्र में कोरोना महामारी के कारण मोहर्रम का त्यौहार इस बार फीका रहा। मुख्यालय के मिलिनिया ढोडा नामक स्थान पर मोहर्रम के अवसर पर लगने वाले भव्य मेला भी फीका पड़ा रहा। उक्त स्थल पर बैरिया दामर, बैला झगड़ा, रारो लवाही, महुडंड, डंडई सहित कई गांव से मुस्लिम लोग गाजा बाजा बजाते हुए ताजिया के साथ पहुंचते थे, जहां फतेह का ताजिया मिलना होता था। वहीं स्थल पर बड़े पैमाने पर अखाड़े का आयोजन होता था। वहीं ताजिया मिलने के अवसर पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के हजारों हजार की तादाद में लोग देखने के लिए पहुंचते थे, जहां भव्य मेले का भी आयोजन होता था। आज वहां कोरोना महामारी के भय से मिलनी स्थल का पूरा इलाका फीका रहा। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोग कोरोना से बचाव का मद्देनजर रखते हुए अपने ही टोले मोहल्ले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मोहर्रम का त्यौहार सादगी तरीके से मनाया। कई गांव में 50,000 से 1,00,000 की लागत से ताजिया तो बना, लेकिन मिलनी स्थल तक नहीं पहुंच सका, सिर्फ टोले मोहल्ले तक ही सीमित रहा, जहां पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान मोहर्रम के जुलूस में शामिल होते थे। इस बार दिल थाम कर अपने ही घरों में रहे। मोहर्रम को लेकर ताजिया कमेटी के लोगों ने बताया कि पहली बार कोरोना महामारी का प्रकोप को देखते हुए मोहर्रम का त्यौहार मनाया गया। पूर्व की तरह इस बार चहल पहल नहीं रही। वहीं मुस्लिमों के वरिष्ठ व्यक्ति मोहम्मद हनीफ शेख ने बताया कि प्रखंड में दर्जनों ताजिया बनाए गए, लेकिन सरकार के निर्देश के बाद घर के बाहर चौकी पर ताजिया रखकर फतेह का कार्यक्रम किया गया। इस बार मोहर्रम त्यौहार COVID-19 के कारण फीका रहा। इधर मोहर्रम पर्व को लेकर पुलिस प्रखंड के हर चौक चौराहे व पंचायतों में मुस्तैद दिखी। वहीं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस के द्वारा दिन भर गश्ती जारी रही। रारो पंचायत में विधायक द्वारा उपलब्ध कराए गए आर्सेनिक एल्बम 30 दवा का किया गया वितरण। रारो पंचायत में विधायक द्वारा उपलब्ध कराए गए आर्सेनिक एल्बम 30 दवा का वितरण किया गया। उक्त दवा वितरण को लेकर मंडल प्रभारी पंकज विश्वकर्मा, कार्यकर्ता कमलेश यादव सहित अन्य ने पंचायत के विभिन्न टोलों व मोहल्लों में डोर टू डोर जाकर बुजुर्ग व्यक्तियों के बीच दवा बांटी। इस दौरान मंडल प्रभारी ने कहा कि आर्सेनिक एल्बम 30 दवा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इसका सेवन करने से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है। वहीं कार्यकर्ता कमलेश यादव ने बताया कि आर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथिक दवा बुजुर्गों को खाली पेट 4 गोली व बच्चों को 2 गोली लगातार 3 दिनों तक सेवन करना है, फिर अगले महीने में इसी तारीख को 3 दिन लगातार दवा खानी है। इस मौके पर सुनील विश्वकर्मा सहित कई कार्यकर्ता दवा का वितरण कर रहे थे। धन्यवाद। लुभी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।